हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अरबी की बहुत ही जबरदस्त और सुपर टेस्टी सब्जी बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप सब्जी बनाएंगे ना, सुपर टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। और आज से पहले आपने इस तरीके से अरबी की सब्जी को कभी नहीं बनाया होगा। बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर उसके बाद देखिएगा जो सब्जी का स्वाद है दुगना हो जाएगा। और आगे से आप हमेशा इसी तरीके से अरबी की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सुपर टेस्टी मसालेदार अरबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये आधा किलो अरबी ली है। तो अरबी जो हमें लेनी है वो देखिएगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी और मोटी मोटी अरबी लेनी है। एक जो आती है कि नीचे से पतली होती है और ऊपर की साइड से मोटी अरबी होती है, वो वाली अरबी हमको यहाँ पर नहीं लेनी है। एक जैसी जो अरबी हो वो अरबी हमें यहाँ पर लेनी है, क्योंकि ये अरबी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर छांट छांट कर एक जैसी अरबी ली है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने अरबी को अच्छे से धो लिया है। अरबी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर पैदा होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अरबी को अच्छे से धोना है, जब तक कि जो इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है वो अच्छी तरीके से क्लीन ना हो जाए, जब तक हम इसको धो लेंगे। तो सबसे पहले सारी अरबी को हमें कुकर में डालेंगे और कुकर में एक गिलास पानी डालेंगे। और अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और कुकर को गैस पर रखेंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम कुकर में एक सीटी लगाएंगे। फिर जब कुकर का जो प्रेशर है वो खुद से रिलीज हो जाएगा, यानी कि कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर हम कुकर को खोलेंगे। तो अरबी जो है बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, इसको चेक कर रहे हैं, जब हम इसमें चाकू की नोक को गड़ा रहे हैं, एकदम आसानी से अंदर जा रही है। अरबी अच्छे से बॉयल हो गई है। तो सारी अरबी को हम कुकर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अरबी जो है अब थोड़ी ठंडी हो गई है, पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है। तो चलिए अब हम इनको छीलेंगे। फ्रेंड्स, जब हम अरबी को इस तरीके से उबालकर बनाते हैं तो उससे गैस भी कम लगती है और अरबी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। और जब हम सूखी अरबी की सब्जी बनाते हैं तो उबालकर ही बनानी चाहिए, क्योंकि उबालकर जो सूखी अरबी की है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए सारी अरबी को हम इसी तरीके से छीलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारी अरबी को छीलकर तैयार कर लिया है। अब बारी है इनके कट करने की। तो यहाँ पर देखिएगा, अरबी को हम इस तरीके से लंबाई में कट करेंगे। आप चाहे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कटी हुई जो अरबी होती है ना, वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और इनके ऊपर जो मसाला है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ लग जाता है। तो देखिएगा, अरबी को हम इस तरीके से लंबाई में काटते हुए 3 से 4 भागों में काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने सारी अरबी को काटकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रख ली है और उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें सरसों का तेल ले रही हूँ, आप अपनी मनपसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनी अरबी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जब तक तेल गरम हो रहा है, हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक खलबट्टा ले लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 लौंग और 5 से 6 साबुत काली मिर्च ली हैं। और अब सभी को देखिएगा, हम इस तरीके से अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। फ्रेंड्स, जब आप अरबी की सब्जी में इस मसाले को डालेंगे ना, तो आपकी सब्जी में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी, एकदम नए टेस्ट के साथ बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने इसको दरदरा कूट कर तैयार कर लिया है। देखिएगा, बिल्कुल एकदम दरदरा हमने इसको कूट कर तैयार करा है। और दूसरी तरफ देखिएगा, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें कुटा हुआ मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तेल को हमने पहले बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था और उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया, ताकि जो हम इसमें मसाले डालें वो एकदम से जले ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हम सभी मसालों को हल्का सा भून लेंगे। और अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच इसमें हींग डालेंगे। हींग आप अरबी की सब्जी में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे अरबी की सब्जी में टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में हम इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन को भी आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अरबी की सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन से। और अब सभी मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सभी मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो इस टाइम हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ में हमने यहाँ पर लिए हैं ये 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च, इनको भी डालेंगे। और अब अदरक और हरी मिर्च को भी हम यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे।
तो जब तक हमारा अदरक और हरी मिर्च भुन रहे हैं, हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल में हम 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर लेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, ये तीखी कम होती है और इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे। और अब देखिएगा, इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ये लिया है 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से जो है हमारी अरबी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और अरबी के ऊपर मसालों की जो कोटिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगी और अरबी की सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी बनेगी ना, फिर आगे से आप हर बार इसी तरीके से अरबी की सब्जी बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ देखिएगा, अदरक और हरी मिर्च भी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और इन्हें भी 30 से 40 सेकेंड के लिए हम भुनेंगे मसालों के साथ। और जैसे ही ये मिर्च भुन जाएंगी, हमने जो मसाले बनाकर तैयार किए थे ना, वो भी हम कढ़ाई में डालेंगे। तो देखिएगा, इस टाइम पर हमने गैस की फ्लेम को लो कर रखा है और अब अच्छे से हम मसालों को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भुनेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और अपना बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर दें। तो यहाँ पर देखिएगा, मसालों को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गया है और मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। तो चलिए, अब हम इसमें कटी हुई अरबी को भी डालेंगे और अब देखिएगा, हमें अरबी को भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है मसालों के साथ। तो अरबी को हमें जब तक मिक्स करना है जब तक कि मसालों की जो कोटिंग है अरबी के चारों तरफ अच्छे से ना लग जाए। और जब हम अरबी को चलाएंगे तो हल्के हाथों से ही चलाएंगे, क्योंकि हमने जो अरबी ली है वो बॉयल अरबी ली है, अगर हम इनको ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ये टूट भी सकती है। तो देखिएगा, इसी तरीके से हम इनको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिएगा, इनको इस तरीके से हिलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं कि अरबी के चारों तरफ अच्छे से मसालों की कोटिंग हो गई है। तो अभी देखिएगा, हम बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए अरबी को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे, क्योंकि पहले हमने मसालों को ज़्यादा देर नहीं भूना था। तो अब अरबी के साथ मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाएंगे। इस तरीके से भूनने से क्या होगा कि अरबी भी बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाएगी और मसाले भी जो हैं हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भून जाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से सूखी मसालेदार अरबी की सब्जी बनाएंगे ना, तो इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। घर में कोई पार्टी हो उसमें बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में एकदम ज़बरदस्त टेस्ट वाली सब्जी बनकर तैयार होती है। सब्जी को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अरबी की सब्जी में। और अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो इसमें अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पर इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और अब देखिएगा, फिर से हम एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने नमक को और अमचूर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पर पकने देंगे और बीच बीच में ढक्कन हटाकर अरबी को चेक भी करेंगे, वरना अरबी जो है वो नीचे लग सकती है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करा है। तो चलिए, एक बार कढ़ाई को फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पर और पकने देंगे और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से ये सूखी मसालेदार अरबी की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे ना, तो आप जिनको भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो चलिए, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और लास्ट में हम इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए डालेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और अरबी की सब्जी में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी, जिससे कि ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार हम घी को भी अच्छे से मिला देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की बनाई चटपटी मसालेदार सूखी अरबी की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।